Okay, ma'am, just now you have watched the movie, so how was the movie? The movie was good. It was nice, entertaining. Okay, what do you like to say about the performance of Arjun Kapoor? Arjun Kapoor was good. He was nice. Okay, one thing you like the most about the movie? The whole patriotic feeling was good. Okay, how much star you like to give out of 5? 3 stars out of 5. Thank you. Rohit? Yeah, okay sir, आपने जैसा ही मूवी देखी है इंडिया मोस्ट वांटेड, तो कैसी लगी मूवी आपको? फिल्म अच्छी लगी मुझे. ओके, परफॉर्मेंस की बात करें अर्जुन कपूर की, तो कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस अच्छी अर्जुन कपूर की. इनफैक्ट बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सबकी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी बिलीवेबल परफॉर्मेंस. ओके, मूवी जैसे रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितनी रियलिस्टिक लगी आपको? फिल्म रियलिस्टिक है और उस मुझे कितनी रियल लगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो उनका सेंटिमेंट है कि जैसे फिल्म के एंड में ऐसा होता है कि जो उन्होंने अचीव किया है इंडिया के लिए उस पर उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको हम पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि वो लोग कौन हैं. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम सब ये इंटरव्यू कर पाएँ, जाके फिल्म देख पाएँ. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट नाउ. ओके, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहेंगे? 4 स्टार. थैंक यू सर. ओके सर, जस्ट ना आपने मूवी देखी इंडिया मोस्ट वांटेड, तो कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. ये राजकुमार गुप्ता ने जो डायरेक्ट की है ये मूवी, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है कि किस तरह एक बहुत ही खूंखार टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, और इसमें पूरा उनका मोडस ऑपरेंडी, उनका एक्शन प्लान दिखाया गया है. 5 लोगों की टीम है, तो वो किस तरह एक्शन प्लान बनाते हैं, किस तरह कोड लैंग्वेज में बात करते हैं. और 2 घंटे की मूवी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे. 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे, यू लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम. बहुत ही अच्छी मूवी है जी. बहुत ही संजीदा परफॉर्मेंस है, आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज, क्योंकि पूरी मूवी में वही है मेन प्रोटैगनिस्ट. उनके साथ जो सह कलाकार हैं प्रवीण, देवेंद्र, गौरव, जितने भी हैं, राजेश शर्मा जो एक बहुत ही जाने माने एक्टर है, और एक कांतिलाल मुखर्जी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके रोल बहुत अच्छे हैं. लेकिन अर्जुन कपूर आई थिंक ही स्टैंड्स आउट. आई थिंक उनको इस तरह के रोल्स करने चाहिए, क्योंकि पूरी मूवी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, और किस तरह बिना वेपन्स के भी टेररिस्ट को पकड़ा जा सकता है वो इसमें दिखाया गया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है. बहुत अच्छा है. आई थिंक अमित त्रिवेदी अपनी छाप हर बार छोड़ते हैं, और इस बार भी उन्होंने जो भी साउंड ट्रैक है या बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत अच्छा दिया है. 3.5. बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी लगी मुझे फिल्म, और आपको भी जाके देख कर आनी चाहिए. आपने देखी है फिल्म? आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपने फिल्म नहीं देखी है? इसके बाद पक्का इंटरव्यू लेने के बाद पक्का. तो ये सारी टिकट्स तो जा रही है मतलब वहाँ पे? वेरी नाइस. हाँ जी. ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस कैसी लगी? परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे बहुत, और मुझे वो जनरली जिस तरीके से स्टार्स को दिखाया जाता है फिल्मों में कि एक स्टार है और बाकी के लोग इधर हैं कहीं कोने में, इधर हैं पीछे हैं आगे, ऐसा नहीं लगा मुझे. मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि ब्लेंड हो रहे हो आप बाकी के आर्टिस्ट के साथ, और आप एक टीम का हिस्सा, जैसे फिल्म में दिखाया भी जा रहा है आप टीम का हिस्सा हो, वो मज़ा आता है उसको देखने में. फिर फिल्म कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये इसके लिए बंदे के लिए फिल्म बनी है, वो सबकी एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है जिसपे सबने साथ में काम किया है. जिस तरीके से दिखाया गया डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यार मुझे अच्छा लगा. मैं कहीं पे भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत कहीं पे भी बहुत ज़्यादा खींच रही है. कुछ कुछ पॉइंट्स पे लगता है आपको कि ऐसे कि अब कुछ कुछ गाना वाना मतलब सुनने का मन है, ऐसा लगता है. लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये क्यों हो गया, या ये कैरेक्टर फिल्म में क्यों है, या ये इस तरीके से क्यों किया गया, या इतने ऐसे शॉट्स क्यों दिखाए गए, ऐसा नहीं लगता है. आपको फिल्म देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा अच्छा यार, मतलब इट्स नाइस टू वॉच. अर्जुन कपूर की जो करियर है उसको बूस्ट करेंगे, पीछे की मूवीज जो देखे बैक टू बैक फ्लॉप रही है, दो दिन क्या बूस्ट करेंगे? सर ये मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरत फिल्म है, अच्छी फिल्म है. बाकी आप लोग सब देखो यार, मैं अकेली पर्सन हूँ, आप लोग सब जो इंटरव्यू ले रहे हो वो जाके देख कर आओगे, आई थिंक आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. आपको कैसी लगती है? मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी फिल्म. और जहाँ तक करियर की बात है वो तो आपकी पर्सनल जर्नी होती है, और किसी के फ्लॉप फिल्म के हो जाने से या किसी के हिट हो जाने से कोई पर्सन फ्लॉप नहीं होता कभी, ठीक है ना, वो हमेशा हिट ही रहेंगे, हिट हैं, हिट रहेंगे. ओके, 5 आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 4.5. थैंक यू.